बात करते हैं पूर्वांचल की उन 13 सीटों की जहां पर आखिरी दौर में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। आगे बढ़ने से पहले पूर्वांचल में जीत का असल फैक्टर हम आपको समझा देते हैं, इसको आप बहुत गौर से देखिएगा। क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण इस वक्त यहां पर टॉप पर चल रहा है। हिंदू मुसलमान यानी धर्म की बात हो रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा असर नहीं। आरक्षण पर भी सारे नेता चूंकि उठा रहे हैं तो चर्चा इस पर भी हो रही है, लेकिन बड़ा मुद्दा पूर्वांचल के अंदर वो भी नहीं। बात बेरोजगारी महंगाई की भी हो रही है, चर्चा जरूर है, लेकिन इसको बहुत मुद्दा बना नहीं पाई है पॉलिटिकल पार्टियां। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है जात और बिरादरी, यानी जातीय समीकरण को भेदने में कामयाब हो जाएगा पूर्वांचल पर जीत उसी की होगी। अब सवाल यही है कि इस समीकरण पर किसने बेहतर होमवर्क किया है, तो आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। मिशन 80 के लिए बीजेपी के पास ये आखिरी दांव है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो यूपी के लिए पूर्वांचल ही एकमात्र रास्ता है, और पूर्वांचल को साधना हर पार्टी के लिए किसी बड़े पत्थर से सिर टकराने के बराबर है। योगी मोदी की जोड़ी कैसे आपस में पूर्वांचल को साधने के लिए खास रणनीति तैयार कर रही है वो हम आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इलाके में आखिरी दौर में कहां कहां वोट डाले जाने हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। पूर्वांचल की ये वो 13 सीटें हैं जहां मुद्दे गौण होते हैं और बिरादरी का जोर चलता है। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। 24 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मैदान में है और बीजेपी के लिए इसे दोहराने की बड़ी चुनौती है। अब समझिए कि पूर्वांचल का यह समीकरण क्या है जिसके बूते यहाँ की राजनीति चलती है। मुसलमान 17%, यादव 13-14%, SC 20-21%, ब्राह्मण 9-10%, राजपूत 6-7%, राम 3-4%, कुर्मी 5% और मौर्य लगभग 4%। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ ही जातीय समीकरणों के आधार पर भी चुनावी माहौल बनता और बिगड़ता है, और अपने आखिरी रण में बीजेपी इसे भेदने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। पूर्वांचल का रण कैसे भेदेगी बीजेपी? योगी कैसे तोड़ेंगे जाति का चक्रव्यूह? 24 में पूर्वांचल के जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए योगी और मोदी की जोड़ी लगातार कोशिश कर रही है, और इसी आधार पर बीजेपी ने अपनी रणनीति तय की है और इसी आधार पर अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो उन्हें खास जिम्मेदारी है। ब्राह्मण वोटरों पर पकड़ मजबूत करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास जिम्मेदारी है, जो रोज कई जनसभाएं कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम को भी ब्राह्मण वोट बैंक को खींचने के लिए खास तौर पर पार्टी ने पर लगाया हुआ है। दानिश अंसारी योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और उन्हें अल्पसंख्यक क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 24 का चुनाव बीजेपी के लिए और चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने MY फैक्टर को छोड़ जातीय समीकरण पर भरोसा किया है, और आखिरी चरण में किसी भी तरीके की कोई कमी न छूटे इसलिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को लगाया हुआ है। इसी के साथ दलितों और पिछड़ों को समझाने में संघ भी लगा हुआ है। इसके लिए अलग से दलित नेताओं और OBC नेताओं को लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूर्वांचल में जीत और हार के अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। जी न्यूज़।